देश के वेटरनरी डॉक्टर्स के तकनीकी स्तर को ऊंचा करने और उन्हें नई नई तकनीकों से अवगत कराने के लिए प्रैक्टिशनर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा बेट एक्सीलेंस 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन होटल ताज कन्वेंशन सेंटर फतेहाबाद रोड पर किया जा रहा है, जिसका शुभ आरंभ 30 अक्टूबर 2022 रविवार को प्रातः 11 बजे BCI के प्रेसिडेंट डॉक्टर उमेश शर्मा, गेस्ट ऑफ ऑनर MG वेटरनरी कॉलेज भरतपुर के डीन डॉक्टर रणवीर सिंह और डॉक्टर SP पचौरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। सेमिनार करी जा रही है ये यहाँ पर, जो कि UPPPA की तरफ से की जा रही है, उत्तर प्रदेश प्राइवेट एसोसिएशन ऑफ UP है। इसमें हम तीन सारे जो स्पीकर्स हैं वो बाहर से बुलाए गए हैं और इसमें हम जो है पेट्स के ऊपर, जो है स्मॉल एनिमल्स के ऊपर, जो उनकी आंखों से संबंधित बीमारियाँ हैं तथा कैंसर से संबंधित बीमारियाँ जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, और इसके साथ जो बिल्लियों में कई तरह के रोग जो होती हैं उनके बारे में चर्चा की जाएगी, इस बात पर करी जा रही है चर्चा करी जा रही है। इसके लिए डॉक्टर जो हमारे UPPPA के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी हैं उनसे बात। ठीक है। UP जो वेटरनरी प्राइवेट वेटरनरी एसोसिएशन का एक कंटिन्यूइंग वेटरनरी एजुकेशन का एक कार्यक्रम है, इसमें हमारे पशु चिकित्सकों को विभिन्न क्षेत्रों के लिए टेक्निकल जो सेशन है, जिसमें सर्जरी है, ऑप्टोलॉजी है, इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि देश के प्राइवेट प्रैक्टिशनर एसोसिएशन स्वयं अपने व्यय पर बिना किसी सरकार के सहयोग से, देश के लिए हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसके लिए एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर प्रतिपाल सिंह जी, डॉक्टर सुधीर त्यागी जी, जनरल सेक्रेटरी जी को हृदय से अभिनंदन करता हूँ वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, कि देश में वेटरनरियंस का तकनीकी स्तर, स्किल को ऊंचा करने के लिए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अवगत कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित आगरा में किया जा रहा है। इसके लिए हम सभी कृतज्ञ हैं, इस देश के समस्त वेटरनरियन जिनका देश में आज़ादी के 75 ईयर्स के बाद भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई योगदान है, आज हम भारत में दुनिया के सबसे बड़े दुग्ध उत्पादक देश हैं, इसमें हमारे देश के पशु चिकित्सकों का बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे ही हमारे प्रतिपाल सिंह जी से और सुधीर त्यागी जैसे वेटरनरी हैं, जो देश के अंदर अपने स्वयं के पैसे सभी पशु चिकित्सकों खर्चे पर जो एक ज्ञान अर्जन का कार्य कर रहे हैं, इसलिए मैं वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से, भारत सरकार की ओर से आपका अभिनंदन। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।